गुड मॉर्निंग बच्चों, यू आर वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। आज के इस क्लास का टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स को देखने के पहले हम देखेंगे सबसे पहले साल्ट क्या होता है। व्हाट इज साल्ट? साल्ट क्या होते हैं? जब कभी किसी एसिड को बेस से ट्रीट कराते हैं तो साल्ट और H2O बनता है। सपोज दैट हियर एसिड इज HCl एंड बेस इज NaOH एंड इट रिएक्ट एंड गिव्स NaCl प्लस वाटर। एसिड रिएक्ट टू बेस गिव साल्ट। तो जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट बनता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस एंड रिजल्टिंग साल्ट प्लस वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन देख लिए तो यहाँ हम देखते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब हम वन ग्राम इक्विवेलेंट एसिड, HCl का इक्विवेलेंट वेट होता है 36.5 एंड NaOH का होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका वेट होता है 40 ग्राम। तो यहाँ से 36.5 ग्राम HCl और 40 ग्राम NaOH दोनों रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा, H2O बनेगा और 13.7 किलो कैलोरी, 13.7 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होगी। इस हीट को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो जब कभी वन ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस रिएक्ट करते हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या बनता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस गिव्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट साल्ट प्लस वाटर प्लस 13.7 किलो कैलोरी हीट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस रिएक्ट करके 1 ग्राम इक्विवेलेंट साल्ट बनाते हैं और इस रिएक्शन में 13.7 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है। यह 13.7 किलो कैलोरी हीट क्या कहलाती है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के लिए फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, ये 13.7 किलो कैलोरी होती है। अब हम समझेंगे कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट क्यों होता है, व्हाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कांस्टेंट, व्हाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कांस्टेंट। व्हाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कांस्टेंट। तो कोई भी स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस लेते हैं, हमने लिया HCl, और इसको इंटरेक्ट कराया NaOH से, NaCl प्लस H2O। इसमें देखिए HCl एक स्ट्रांग एसिड है, इसको हम लिख सकते हैं H+ और Cl-। NaOH एक स्ट्रांग बेस है, इसको हम लिख सकते हैं Na+ और OH-।
NaCl को हम लिख सकते हैं NaCl वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, और ये H2O एज ए सच सॉल्यूशन में पड़ा रहता है। तो यहाँ देखिए ये Cl माइनस, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल, Na प्लस से Na प्लस कैंसिल, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है H प्लस और OH माइनस के इंटरेक्शन से अनआयनित H2O का बनना। तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस के इंटरेक्शन से अनआयनित अनआयोनाइज्ड H2O। तो बेसिक इक्वेशन इन न्यूट्रलाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड H2O बाय द रिएक्शन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस। किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बेसिक इक्वेशन क्या है, H प्लस और OH माइनस के संयोग से अनआयोनाइज्ड H2O का बनना। तो जब सभी रिएक्शनों का बेसिक इक्वेशन एक ही होगा तो वहाँ जो भी हीट प्रोड्यूस होगा हर जगह एक ही होगा, यह हीट या यह 13.7 किलो कैलोरी की वैल्यू एसिड और बेस में से किसी की स्ट्रेंथ कम होने पे थोड़ी सी कम वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 किलो कैलोरी या कांस्टेंट क्यों होता है, रीज़न क्या है। यहाँ से देखिए HCl को H प्लस और Cl माइनस के रूप में लिख सकते हैं, NaOH को Na प्लस और OH आयन के रूप में लिख सकते हैं, NaCl Na प्लस और Cl माइनस, लेकिन H2O अनआयोनाइज फॉर्म में रहता है। अब यहाँ से देखिए Cl और Na प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिक इक्वेशन क्या है, H प्लस और OH माइनस के इंटरेक्शन से अनआयोनाइज H2O का बनना। तो किसी भी स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का बेसिक इक्वेशन क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस रिएक्ट विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस एंड रिजल्ट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनआयोनाइज्ड H2O एंड इट गिव्स कांस्टेंट हीट 13.7 किलो कैलोरी। इफ़ द एसिड एंड बेस हैव वीकर स्ट्रेंथ देन सम हीट विल यूज्ड टू आयोनाइज वीक एसिड और वीक बेस। सपोज दैट एसिड इज समवाट वीक, वी टेक एसिटिक एसिड, दिस इज वीक एसिड प्लस NaOH स्ट्रांग बेस एंड गिव्स सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस 13.4 किलो कैलोरी। देखिए यहाँ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना था, 13.7, और यहाँ देखिए एसिड अगर वीक ले लेते हैं और बेस स्ट्रांग लेते हैं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या हो रही है, 13.4 किलो कैलोरी हो रही है, ये 0.3 किलो कैलोरी कम हो जाती है। ये वैल्यू कम क्यों होती है, सम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन यूज टू आयोनाइज वीक एसिड, इस वीक एसिड के आयोनाइजेशन के लिए कुछ हीट क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है इस रिएक्शन में, वीक एसिड अपने को आयोनाइज करने के लिए हीट की कुछ मात्रा यूज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, इस कारण एसिड और बेस में किसी की स्ट्रेंथ कम होने पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू कुछ कम हो जाती है। तो यहाँ हमने समझा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, किसी भी स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है, 13.7 किलो कैलोरी, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। कांस्टेंट वैल्यू क्यों होता है, कि किसी भी स्ट्रांग एसिड और किसी भी स्ट्रांग बेस का बेसिक इक्वेशन क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस रिएक्ट विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस एंड गिव्स
1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनआयोनाइज्ड H2O एंड गिव्स 13.7 किलो कैलोरी हीट। तो बेसिक इक्वेशन सभी एसिड और बेस में सेम होने के कारण जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 13.7 कैलोरी या कांस्टेंट होती है। यहाँ हमने ये समझा। अब इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट अपोजिट टू न्यूट्रलाइजेशन, अपोजिट टू न्यूट्रलाइजेशन हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट क्या होता है अब इसको हम समझेंगे। सपोज दैट हियर साल्ट इज सोडियम एसीटेट एंड इंटरेक्ट विथ वाटर, इट गिव्स एसिटिक एसिड एंड NaOH। एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर नोन एज वीक एसिड, NaOH इज स्ट्रांग बेस। फीबली आयोनाइज्ड स्ट्रांगली आयोनाइज्ड, वीक एसिड फीबली आयोनाइज्ड होते हैं और स्ट्रांग एसिड स्ट्रांगली आयोनाइज्ड होते हैं। ओवरऑल सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। वीक एसिड फीबली आयोनाइज्ड होते हैं और स्ट्रांग एसिड स्ट्रांगली स्ट्रांग बेस स्ट्रांगली आयोनाइज्ड होते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जब किसी साल्ट के, जब कोई साल्ट H2O के साथ इंटरेक्ट करके उसके सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक कर देता है, इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। इंटरेक्शन ऑफ साल्ट विद वाटर रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ साल्ट विद वाटर रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिडिक। किसी भी साल्ट को, कोई भी साल्ट H2O के साथ इंटरेक्शन करके सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक कर देता है और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। अब हम समझेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट के क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ एग्जांपल लेके हम समझेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस, साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड। सपोज दैट NaCl इज मेड फ्रॉम HCl एंड NaOH। तो दिस साल्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस। तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बने साल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ये क्या होते हैं, H2O में अपोजिटली चार्ज आयंस में टूट जाते हैं। NaCl को H2O के साथ इंटरेक्शन कराने पे Na प्लस और Cl माइनस आयंस टूट जाते हैं, एक्वस फॉर्म में आ जाते हैं और सॉल्यूशन क्या रहता है, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल
KCl या K2SO4। तो देखिए ये किससे बना है, H2SO4 और KOH। H2SO4 क्या है, स्ट्रांग एसिड। KOH क्या है, स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बने साल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के बने साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, क्योंकि उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। सॉल्यूशन इज न्यूट्रल एंड pH इज जस्ट इक्वल टू 7। हियर सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 इन वाटर इज आल्सो प्लस वाटर न्यूट्रल, pH विल बी जस्ट इक्वल टू 7। तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बने साल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है और उनके सॉल्यूशन न्यूट्रल होते हैं, और उनके pH कितने होते हैं, 7 के बराबर होते हैं। हम जानते हैं pH स्केल में pH अगर 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक, और pH 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक। तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बने साल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। इसके बाद हम एक दूसरा टाइप ऑफ साल्ट लेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ साल्ट, साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। सपोज दैट अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड साल्ट किससे बनता है, देखिए इट इज मेड अप ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक बेस, और HCl क्या होता है, स्ट्रांग एसिड। तो देखिए साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, अमोनियम क्लोराइड इज साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस और HCl इज स्ट्रांग एसिड। वीक बेस फीबली आयोनाइज्ड, वीक बेस का आयोनाइजेशन बहुत ही कम होता है, और स्ट्रांग एसिड का स्ट्रांगली आयोनाइज्ड। तो इस सॉल्यूशन में H प्लस कंसंट्रेशन OH आयन के कंसंट्रेशन से बहुत अधिक होता है, और इस कारण यह सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक सॉल्यूशन, और pH क्या होगा, लेस देन 7। तो अमोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होगा, क्या होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और उसका pH कितना होगा, 7 से कम होगा। इस तरह का एक दूसरा साल्ट लेते हैं, एक दूसरा साल्ट लेते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वीक बेस, फीबली आयोनाइज्ड, एंड H2SO4 इज स्ट्रांग एसिड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है जिसका आयोनाइजेशन बहुत ही कम होता है, और H2SO4 एक स्ट्रांग एसिड है जिसका आयोनाइजेशन कंप्लीटली होता है। तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, एसिडिक सॉल्यूशन, एंड pH इज लेस देन 7। तो साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड विथ वीक बेस की हाइड्रोलिसिस होने पर क्या बनता है,
वीक बेस और स्ट्रांग एसिड बनता है। वीक बेस फीबली आयोनाइज्ड होता है या OH आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, और स्ट्रांग एसिड स्ट्रांगली या कम्प्लीटली आयोनाइज होता है। दूसरे शब्दों में H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस के कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा होता है और ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो हमने देखा साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग एंड वीक बेस की हाइड्रोलिसिस, इस हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, सॉल्यूशन एसिडिक होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस। इस तरह का साल्ट हम लेते हैं, देखिए सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की हाइड्रोलिसिस होती है। एज ए रिजल्ट एसिटिक एसिड बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, वीक एसिड इट मीन्स फीबली आयोनाइज्ड, एंड HCl NaOH इज स्ट्रांग बेस दैट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। तो साल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या मिलता है, देखिए सोडियम एसीटेट ये साल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का एक एग्जांपल है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराए तो वीक एसिड एसिटिक एसिड बना और स्ट्रांग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। ओवरऑल इस सॉल्यूशन में OH आयन की कंसंट्रेशन H प्लस के कंसंट्रेशन से अधिक होने के कारण यह सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा एंड pH विल बी मोर देन 7। बेसिक सॉल्यूशन का pH क्या होता है, मोर देन 7 होता है। तो साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस की हाइड्रोलिसिस कराने पर वह सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए, इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर NaOH और H2CO3, NaOH इज ए स्ट्रांग बेस और H2CO3 इज ए वीक एसिड, वीक एसिड स्ट्रांग बेस दैट मीन्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड एंड वीक बेस मीन्स फीबली आयोनाइज्ड। देखिए स्ट्रांग बेस में OH आयन कंसंट्रेशन H प्लस कंसंट्रेशन से बहुत अधिक होने के कारण यह सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी बेसिक एंड pH विल बी मोर देन 7। तो साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस का हाइड्रोलिसिस कराने पर सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है और उसका pH मोर देन 7 या 7 से अधिक हो जाता है। अब इसके बाद हम थर्ड टाइप देखेंगे, फोर्थ टाइप, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसका एग्जांपल देखिए अमोनियम एसीटेट, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बनता है एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस।
फीबली आयोनाइज्ड एंड दिस इज आल्सो फीबली आयोनाइज्ड। तो साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के हाइड्रोलिसिस कराने पर वीक एसिड और वीक बेस बनते हैं, दोनों फीबली आयोनाइज्ड हैं। तो यह सॉल्यूशन अबाउट न्यूट्रल होता है। वी कैन नॉट से द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक आर बेसिक। ये सॉल्यूशन के एसिडिटी और बेसिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए या एग्जैक्ट नेचर बताने के लिए हमें इन एसिड और बेस के, वीक एसिड और वीक बेस के आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्ञात होने चाहिए। बिना आयनाइजेशन कांस्टेंट के हम वीक एसिड और वीक बेस के हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी का एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करने के लिए वीक एसिड और वीक बेस के आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात होना आवश्यक है। तो साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्यूशन क्या होते हैं? अबाउट न्यूट्रल। इस तरह के सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन में यूज होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा हाइड्रोलिसिस क्या होता है और हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन का नेचर, विभिन्न तरह के साल्टों का क्या क्या होता है। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेसिड के से बने साल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है और उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। फिर से देख लीजिए, NaCl प्लस H2O, Na प्लस एंड Cl माइनस, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। रीजन क्या है? NaCl स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बना साल्ट होता है और स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बने साल्ट का न्यूट्रलाइजेशन संभव नहीं है। वीक एसिड और वीक बेस से बने साल्ट की हाइड्रोलिसिस होने पर वीक एसिड और वीक बेस बनते हैं जो फीबली आयोनाइज्ड होते हैं और उनके सॉल्यूशन अबाउट न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल के करीब होते हैं। उनके पीएच अबाउट 7 के आसपास होता है। एग्जैक्ट नेचर हम नहीं बता सकते हैं। एग्जैक्ट नेचर बताने के लिए स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात होना आवश्यक है। वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से बने साल्ट की नेचर बेसिक होता है और उनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है और स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से बने साल्ट का नेचर एसिडिक होता है और उनका पीएच 7 से कम होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कांस्टेंट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करें।